बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मुजफ्फरनगर से, बड़ी खबर इस समय की जहां कांवड़ यात्रा पर आतंकी साया। एसएसपी अभिषेक सिंह का बड़ा बयान, एटीएस कमांडो तैनात किए गए हैं। लखनऊ से बुलाई गई है एटीएस की यूनिट, कांवड़ यात्रा में तैनात की गई है एटीएस की यूनिट। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कांवड़ यात्रा चल रही है, सावन का महीना, ऐसे में एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। कांवड़ यात्रा पर आतंकी साया मंडरा रहा है, जिसको लेकर अब एक्शन ले लिया गया है। एसएसपी अभिषेक सिंह का बयान आ गया है सामने, एटीएस कमांडो तैनात किए गए हैं। लखनऊ से बुलाई गई है एटीएस की यूनिट, कांवड़ यात्रा में तैनात की गई है यूनिट। तो इस समय कांवड़ यात्रा में शामिल होने के लिए ना सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, तमाम राज्यों से जो कांवड़ यात्रा में शामिल होने के लिए लोग आ रहे हैं, उनकी सुरक्षा में किसी तरह की चूक ना हो। और खास तौर पर जब आतंकी साया मंडरा रहा है, तो ऐसे में मोर्चा संभाल लिया गया है एसएसपी अभिषेक सिंह की तरफ से, जो उन्होंने बयान दिया है, इस पर हमारे सहयोगी और जानकारी देंगे। विनेश पवार हमारे साथ, हमारे सहयोगी सलमे फोन लाइन पर मौजूद है। विनेश, ये बड़ी खबर बता रहे हैं, एसएसपी अभिषेक सिंह का बयान क्या है, एटीएस कमांडो तैनात किए गए हैं कांवड़ रूट पर? बिल्कुल, निश्चित तौर पर जो एसएसपी मुजफ्फरनगर है और एसपी सिटी नारायण प्रजापत जो की आईटी अधिकारी है, दोनों ने ही कांवड़ सुरक्षा का जिम्मा अपने सिर में रखा है और लगातार निगरानी बनाई हुई है। अब निश्चित तौर पर कोई ना कोई ऐसा खुफिया विभाग की तरफ से इनपुट जरूर मिला है, जिसके बाद यहाँ पर एटीएस के कमांडो मुजफ्फरनगर में यूनिट बुलाई गई है हेड ऑफिस में और उसको कांवड़ मार्ग की निगरानी के लिए तैनात किया गया है। एसएसपी अभिषेक अभी अभी मुजफ्फरनगर के सीटों पर पहुंचे थे अपनी पूरी मुजफ्फरनगर पुलिस टीम के साथ और उन्होंने ब्रीफ किया है एटीएस के जो कमांडो, उनको ब्रीफ करते हुए साफ तौर पर कहा कि मुजफ्फरनगर इसका ये मुख्य चौराहा है, जो सीटों जिसको कहा जाता है वो यहीं से बैठ चुकी है। हरियाणा, राजस्थान और आसपास के राज्यों के करोड़ों कांवड़ यहाँ से गुजरता है, इसको देखते हुए कोई भी आतंकवादी घटना अगर होती है तो उसको कैसे निपटा जाए, इस तरह से पूरा ब्रीफ किया गया है एटीएस को। और साथ ही साथ मीडिया से बात करते हुए उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि निश्चित तौर पर ऐसी जो धार्मिक यात्राएं होती है उन पर इस तरह की खुफिया इनको जरूर मिलते हैं और उसी को देखते हुए मुजफ्फरनगर में ये एटीएस की जो कमांडो टीम है जो तैनात की गई है और उसी को निगरानी में लगाया गया। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका विनेश पवार जानकारी के लिए।